नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में बताएंगे जो आपको आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ दे सकता है, काफ़ी डिविडेंड के रूप में रिटर्न दे सकता है, साथ ही साथ बोनस शेयर का भरमार लगा सकता है। दोस्तों, ये वैसी कंपनी है जिसके बारे में आप बहुत ही कम मतलब ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये बोनस शेयर देगा, लेकिन दोस्तों ये रेगुलर इंटरवल पर पीछे भी बोनस दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस शेयर में इतनी तेज़ी आ चुकी है और ये शेयर आगे चल करके इतना बड़ा बनने वाला है, इसमें आपको बोनस शेयर का भरमार लगने वाला है। दोस्तों, बोनस शेयर कौन सी कंपनी देती है जिसमें काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल होता है? तो इस शेयर का जब हम आपको नाम बताएंगे तो आप उसी से कह देंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है और ये ग्रुप अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत ही बड़ा ग्रुप ये बनने जा रहा है। ऐसे में जब आप इसमें काफी ग्रोथ देखते हैं तो निश्चित है कि ये अपने शेयर होल्डर को बोनस भी देगा और साथ साथ अब डिविडेंड भी रेगुलर दे रही है कंपनी। तो चलिए, इसके कंपनी के सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को जानेंगे, फिर इस कंपनी के टेक्निकल्स को जानेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को जानेंगे, फिर इसके जो टेक्निकल्स है, शॉर्ट टर्म चार्ट कैसा दिखता है, लॉन्ग टर्म में ये कैसा ग्रोथ आपको दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं बोर्ड मीटिंग, अप्रैल 30 को बोर्ड मीटिंग हुआ था, अप्रैल 2 को देखते हैं टू कंसिडर राइजिंग ऑफ फंड्स। तो ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट बातें थे। यहाँ पर आप डिविडेंड में चलते हैं, देखते हैं 65% का डिविडेंड 2020 में दिया है, 65 2009 में, 60% 2008 में, 110% 2017 में, 105% 2016 में, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 है तो ये हो गया ₹6.50, ये हो गया आपको ₹11। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी बोनस मतलब डिफरेंट के रूप में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद बोनस पे आते हैं, देख सकते हैं 2017 में बोनस दिया, 2009 में दिया, उसके बाद दो मतलब पिछले 10 साल में देखें 11 साल में दो बार बोनस शेयर दे चुका है, उसके पहले काफ़ी पहले दिया था। साथ ही साथ इस बीच में इसमें मोमेंटम काफ़ी कम था, इस शेयर में मतलब शेयर का प्राइस जो है काफ़ी धीरे धीरे स्लो बढ़ रहा था, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी आ चुकी है इस शेयर में। साथ साथ फेस वैल्यू इसका 10 है, तो फेस वैल्यू 10 है समझ सकते हैं, अगर स्प्लिट किया तो उससे भी आपको बोनस शेयर मिलेगा, मतलब जिस रेशियो में फेस वैल्यू स्प्लिट होता उसी रेशियो में आपको बोनस शेयर फ्री मिलता है, मतलब शेयर आपको फ्री मिलता है, बोनस शेयर उसको नहीं बोलेंगे, शेयर फ्री मिलता है, क्योंकि शेयर को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जितना टाइम्स फेस वैल्यू को कम किया जाता है। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल इसका काफी बेहतरीन हुआ है, इधर कुछ समय से उसका फाइनेंशियल जो है काफ़ी बेहतरीन हुआ है। तो यह मार्च में अभी सारी कंपनियों के रिजल्ट प्रभावित है, तो इसका पेट्रोकेमिकल के बिजनेस है तो काफ़ी प्रभावित हुआ है। उससे पहले देखिए 10,000 करोड़ लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा था, यहाँ पर सेल्स देखिए ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो ये बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली कंपनियाँ हैं, क्योंकि इसके नाम से ही आप जान जाएंगे कि हाँ काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, आप नाम देखने के बाद सिर्फ आप कंपनी के नाम को जानते उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कंपनी के आगे बिजनेस को जानना है और इस कंपनी के बिजनेस को आप अच्छी तरह से जानते हैं और जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे अब। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्च क्वार्टर पेट्रोलियम कारोबार में काफ़ी इनका मतलब सेल्स गिरावट आया है, उसी कारण प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट आया है, साथ साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट भी था यहाँ पर, एडजस्टमेंट के कारण भी प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट हुआ। उसके बाद इस कंपनी के बैलेंस शीट पर देखते हैं, तो बैलेंस शीट पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्ट दिखेगा, लेकिन ये डेप्ट पूरी तरह से कम हो चुका है, लेकिन कंपनी के पास सबसे बड़ी चीज़ जो है रिजर्व, इतना है रिजर्व इस कंपनी के पास इतना है जो कि आप किसी भी कंपनी के पास नहीं देखेंगे। देखिए रिजर्व 4,18,000 करोड़ का, जब ये 4,18,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी यूज करना चाहेगी तो क्या करेगी, आपको बोनस शेयर देगी, यही रिजर्व यूज करने के बदले आपको बोनस शेयर, और ये रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है हर साल। ये 2019 का रिजर्व है, ये 2018 का है, ये 2017 2016, तो देखते हैं 2016 से लगभग डबल हो चुका है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको दिखाते हैं डेप्ट, कंपनी के ऊपर देखते हैं डेप्ट काफ़ी है, लेकिन ये डेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डेप्ट ये डेप्ट क्या हो चुका है पूरी तरह से खत्म, क्योंकि ये कंपनी का जो नाम है वो है रिलायंस। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री अपने डेप्ट को पूरी तरह से कम हो चुका है, इतना फंड रेज किया है, कम से कम 12 से 15 जो फंड हाउस है इसमें फंड अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं, गूगल भी इन्वेस्ट कर चुका है इधर, आप समझ सकते हैं फेसबुक गूगल सारे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वर्ल्ड की वो इसमें इन्वेस्ट किया है, और इसका डेप्ट बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब कंपनी पूरी तरह से अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो हर सेक्टर में, आप मीडिया सेक्टर में नेटवर्क एयरटेल ले लीजिए, रिटेल में रिलायंस रिटेल ले लीजिए,
और डाटा के सेक्टर में जियो है हमारा। जियो का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से भी अधिक है। समझते हैं, रिलायंस का वैल्यूएशन 11-12 लाख करोड़ है, 12 लाख करोड़ में तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा जियो का ही वैल्यूएशन है। तो ये भी याद रखना है, अगर जियो सेपरेट रिलायंस से अलग लिस्ट होता है तो रिलायंस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब इस कंपनी के शेयर प्राइस से तो उतना तेज ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा जितना बड़ा ग्रोथ अभी दिख रहा है। तो अगर जियो अलग कर दिया जाता है तो थोड़ा सा ग्रोथ कम हो जाएगा, लेकिन पेरेंट कंपनी तो रिलायंस ही रहेगी उसकी। तो सारी बातें को आपको ध्यान रखना है। नीचे चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस 8000 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नेट करंट एसेट नेगेटिव में, लेकिन अब देखिएगा आप ये नेट करंट एसेट नेगेटिव में नहीं दिखेगा आपको। तो सारी चीज़ें आपको देखना है। बुक वैल्यू नीचे देख लीजिए, बुक वैल्यू काफ़ी तेज़ी से अब इंक्रीज होगा बुक वैल्यू कंपनी का। तो रिलायंस इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, जैसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं, वो देखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से रिलायंस का गेम जो है वो अलग होने वाला है। अभी तक जो रिलायंस देखे थे आप, वो हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया था, जैसे नेटवर्क कैंटीन, मीडिया सेक्टर में इन्वेस्ट किया, कई सारी कंपनियों को एक्वायर किया। उसी तरह जियो जो है, जियो आ चुका है, काफ़ी उसमें इन्वेस्ट किया था 2017 में। उसके बाद रिटेल में अच्छा प्रॉफिट वहां से मेक कर रही, तो रिलायंस हर सेक्टर में धीरे धीरे इंटर कर चुका है और वहां से अब प्रॉफिट जनरेट करने में, मतलब प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है रिलायंस। तो ये याद रखना है, पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया, अब वहाँ से प्रॉफिट ये अर्न कर रही है, मतलब अब प्रॉफिट वहाँ से मेक करने की कोशिश कर रही है। तो रिलायंस हर सेक्टर से अब प्रॉफिट बना रही है, तो ऐसे में ये बहुत ही बहुत बेहतरीन स्टॉक बन जाता है, जो आगे आने वाले समय में आपको भरपूर बोनस देगा और काफ़ी आपको ग्रोथ देगा। तो मुख्य है ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ हो और आपके शेयर के प्राइस में ग्रोथ हो तो आपको बोनस भी मिलेगा। जब ग्रोथ का फायदा मिलेगा तो बोनस अपने आप आपको बेनिफिट देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा याद रखनी है। रिलायंस के बिजनेस को ज़्यादा डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिलायंस का जो हम सारे सेक्टर्स के जो दिखा देते हैं कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, हर सेक्टर में ये प्रवेश कर चुका है, तो वो हम आपको यहाँ पर पिक्चर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस कितना बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। यहाँ पर आप क्लियर व्यू ले सकते हैं कि रिलायंस जो एक आगे चल के बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मतलब कि एक बहुत बड़ी ग्रुप बनने जा रही है। आप यहाँ पर जो भी सेक्टर है, सोलर पावर देख लीजिए, रिटेल देख लीजिए, ऑनलाइन ग्रोसरी देख लीजिए, म्यूजिक स्ट्रीमिंग देख लीजिए, ये रिलायंस की कंपनियाँ यहाँ पर देखते हैं। ये बिग बाजार रिलायंस, ये बिग बाजार को बाय करने वाला है रिलायंस, रिलायंस फ्रेश, जियो सावन, यहाँ पर सारा देखते जाइए, जियो टीवी, जियो देख लीजिए, एयरटेल, वोडाफोन, ये सबको टक्कर देगा। तो आप जो भी सेक्टर देखना चाहते हैं, यहाँ पर सारे सेक्टर में रिलायंस का जो कंपनियाँ हैं वो आ रही है। यहाँ पर देखते हैं रिलायंस पेट्रोलियम, यहाँ पर रिलायंस लॉजिस्टिक, तो जियो मनी, तो जो जियो मनी जो है गूगल फोन पे सबको टक्कर देगा, अमेजोन पे को, तो यहाँ पर देखते हैं जियो मीट, जूम को, स्काइप को, तो यहाँ पर सारा ग्राफ देखते हैं, हर सेक्टर में रिलायंस है, हर सेक्टर में रिलायंस की कंपनी है और सारे सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ से क्या करेगा रिलायंस, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। अब इनका ध्यान जो होगा मुख्य रूप से प्रॉफिट पे होगा। तो आप समझ गए होंगे कि रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है। तो अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे, किस लेवल्स पर आए तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई भी आदमी इन्वेस्टेड है रिलायंस में तो निश्चित है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपने इसमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म भी मिल जाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके इंटरडे के लिए और डिलीवरी के लिए भी, क्योंकि डिलीवरी यहाँ फ्री है और इंटरडे में मैक्सिमम आपको पर ट्रेड 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से जो रिलायंस में गिरावट आया था, जो कि 900 के नीचे 900 से भी नीचे जा चुका था प्राइस, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो लगातार ये देखते हैं ऊपर नीचे होते हुए अभी पहुँच चुका है 1921, मतलब 1921 रुपया तक इसका प्राइस पहुंच चुका है। अपने 200 डे के मूविंग एवरेज, 100 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डे का, 20 डे का, सारे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो समझ सकते हैं रिलायंस काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। जब से फेसबुक का जियो में इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद एक पर एक इन्वेस्टमेंट आता गया और रिलायंस वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी हो चुका है, वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी। आपके बैलेंस शीट पर डेप्ट दिखता है, वो कुछ दिनों बाद हट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो इसका हमारा प्राइस होगा, जो नीचे का मतलब प्राइस के हमारे इन्वेस्टमेंट का, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए,
वो 1600 के आसपास होगा, लेकिन बहुत कम उम्मीद है ये 1600 रुपया पे वापस आएगा। ये तभी आएगा जब प्रॉफिट में काफ़ी फॉल हो इस क्वार्टर में जो आने वाला है, या तो मार्केट में काफ़ी बड़ा करेक्शन हो, तब आपको ये 1600 के लेवल या उससे नीचे मिल सकता है। नहीं तो इसका 1600 सबसे मेजर सपोर्ट है हमारा ऊपर का, ये जो मतलब पहला सपोर्ट के नीचे का। ऊपर का जो ब्रेकआउट है तो ये 2000, 2100, 2200, 2300, 2500 ऊपर जा सकता है ये, तो ऊपर का कोई इसका लिमिट नहीं है। ये जितना मोमेंटम मार्केट में बना रहेगा उतना ऊपर ये जा सकता है। नीचे का जो इसका है 1600 हमारा सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है, जहां पाएगा तो आपको फ्रेश एंट्री करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलता है तो हम अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेंगे 1600 पर, जो एक बड़ा मतलब बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन 1600 पर देखते हैं, इंतज़ार करना है आपको भी आता है या नहीं। तो दो ही है कि अगर प्रॉफिट में काफ़ी फॉल आए और मार्केट में बड़ा करेक्शन आए तभी आपको ये नीचे के प्राइस पर मिलेगा। अब हम इसके लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट पर रिलायंस कैसा रिटर्न दिया है, कैसा दिखता है रिलायंस का चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिलायंस के मैक्सिमम मतलब टाइम्स की चार्ट की बात करेंगे, तो अभी जो करेंट प्राइस है वो है 1921, आपको ऊपर का लेवल तो बता ही है 2000, 2100, 2200, 2500 जा सकता है, इसमें पूरा पोटेंशियल है स्टॉक में। लेकिन नीचे का जो हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा 1600 या उससे नीचे कभी भी आता है तो आप लॉन्ग टर्म चार्ट पर देख लीजिए, ये चार्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। रिलायंस में कई बार बीच में गिरावट आया, 2008 के भी पैंडेमिक में आया था, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसके बाद बहुत दिनों तक रिलायंस अंडर परफॉर्म रहा, और यहां से जब से जियो आया है तब से देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है। मतलब जब से जियो आया है तो रिलायंस काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है 300% का, 300%। बीच में एक बार बोनस शेयर भी दिया 2017 में, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है रिलायंस का। तो अब आपको अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है, अपॉर्चुनिटी का लेवल्स आपको मैंने बता ही दिया, कंडीशन बता दिया ही कि जब प्रॉफिट में काफ़ी फॉल आएगा, क्योंकि अभी पेट्रोलियम कारोबार इसका काफ़ी प्रभावित हुआ है, और दूसरा मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आए, मतलब 1000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का, तब जा कर के आपको रिलायंस नीचे के लेवल पर मिलेगा। तो उम्मीद करती है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि रिलायंस पर आपको किस लेवल्स पर और किस लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी ग्रुप बनने जा रही है। और ये भी देखना है अगर जियो अलग लिस्ट होता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा रिलायंस पे, तब फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो सकता है, क्योंकि पहले भी रिलायंस में जब जियो नहीं था तो परफॉर्मेंस काफ़ी कम था, यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं। और जब से जियो आया है तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। ऐसे भी सारी कंपनियों का जो पेरेंट कंपनी है, जितने भी रिलायंस ग्रुप कंपनी होगा उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होगा। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक अभी तक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।